और आगे बढ़ेंगे अब एक और बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव से जुड़ी है, आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, कन्नौज से वो नामांकन करेंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अखिलेश यादव कन्नौज में नामांकन दाखिल करेंगे अपना। कन्नौज सीट से अब वो खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और अपना नामांकन दोपहर 12 बजे कन्नौज सीट पर वो दाखिल करेंगे। सुब्रत पाठक उनके मुकाबले होंगे बीजेपी के जो सिटिंग एमपी हैं। आइए आपको कुछ और डिटेल्स आपको देने का वक्त है। ये जो द्वंद्व है कन्नौज का, आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अखिलेश यादव आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं कन्नौज से। 22 अप्रैल को तेज प्रताप यादव का टिकट कट गया, पहले उन्हीं को टिकट दिया गया था। कुछ घंटे बाद ही टिकट बदलने की चर्चा शुरू हो गई और इसके बाद आपको बताएं कि 23 अप्रैल को कन्नौज में इसी बात को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई 23 अप्रैल को, और फिर स्थानीय नेताओं ने दोबारा अखिलेश यादव को विचार करने को कहा अपने निर्णय पर। यह फिर कन्नौज में हुआ मीटिंग के बाद। स्थानीय नेताओं ने अखिलेश यादव से कहा कि आप विचार करिए। अखिलेश से चुनाव लड़ने की अपील की गई स्थानीय नेताओं के द्वारा। कन्नौज से अखिलेश को चुनाव मैदान में उतरने की अपील की गई। अखिलेश बोले, रामगोपाल और शिवपाल से बात करूंगा, अपने चाचा रामगोपाल यादव से और शिवपाल यादव से बात करूंगा, फिर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए विचार करूंगा। ये बात अखिलेश यादव ने कही इस अपील के बाद जो उनसे की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर रख चुके हैं। कन्नौज में अखिलेश की पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, आप देख सकते हैं, उत्साहित है वो और मिठाइयां बांट रहे हैं। दो तस्वीरें अखिलेश के फैसले के बाद, ये जश्न सपा कार्यकर्ताओं में। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज क्यों जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि कन्नौज समाजवादी पार्टी के लिए क्यों जरूरी है। 1998 से 2019 तक समाजवादी पार्टी का इस सीट कन्नौज पर कब्जा रहा है। 1998 में समाजवादी पार्टी से प्रदीप कुमार यादव यहां से चुनाव जीते। फिर आपको बताएं 1999 में खुद मुलायम सिंह यादव इस सीट से चुनाव जीते लोकसभा का 1999 में। इसके बाद 2000 में उपचुनाव हुए और अखिलेश यादव यहां से जीत गए, कन्नौज से सांसद बने 2000 में। फिर 2004 में अखिलेश यादव को फिर से जीत मिली। 2009 में अखिलेश ने फिर से यहां से चुनाव जीता, यानी तीसरी बार। और फिर 2014 में उनकी पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से ही चुनाव जीती। तो इतना दबदबा रहा है यादव परिवार का इस सीट पर। अखिलेश यादव आज नामांकन करने वाले हैं, लेकिन कल जब वो यूपी के इटावा पहुंचे तो नामांकन के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया। वहीं उनकी टक्कर में बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक मैदान पे उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा जी। भाई, अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, इससे ज्यादा मोबाइल थोड़ा जनता ने मन बनाया है। इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। अखिलेश जी की पार्टी है, उसकी जेब में पड़ी हुई है, किसी की भी टिकट निकाल कर जेब से निकाल सकते हैं, किसी की भी टिकट कभी भी काट सकते हैं। आपने देखा है इतने कंफ्यूज नेता है, कितने लोगों को टिकट दिया उसके बाद में काट लिया। आपके पास कन्नौज में तो कोई व्यक्ति नहीं है जो लड़ सकता हो लोकसभा। आपके पास सैफई में आपको घमंड था कि वहां से जिसको भेज देंगे उसको जिता लेंगे। तुमने पहले कहा था आप सैफई से भेजोगे तो भी जमानत जब्त हो जाएगी। तो अब कुल मिलाकर मेरा उनको ये सलाह है कि अखिलेश जी आप खुद लड़ने आइए तो यहाँ के ऊपर एक कम से कम एक बराबरी की लड़ाई तो हो। और हम कन्नौज के जन्मे लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हुए लोग हैं, हम लोग लड़ाई जरा बराबरी की नहीं होती तो मजा नहीं आता है। तो लड़ाई हो बराबरी की हो तो वो तभी संभव है जब अखिलेश जी लड़ेंगे, नहीं तो कोई भी लड़ेगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का 80% कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। दोनों की टिप्पणी आपने सुनी। अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज कैसे है, मुलायम परिवार की पैठ यहां पर किस किस्म की है, थोड़ा विस्तार से समझिए। समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज कैसे है, वो इस तरह से कि 1999 में खुद मुलायम सिंह यादव जो कि फाउंडर रहे समाजवादी पार्टी के, वो चुनाव जीते। उसके बाद
साल 2000 में अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए, उसके बाद 2004 में फिर चुनाव लड़े फिर जीत गए, और उसके बाद 2009 में चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव, देखिए 2014 में चुनाव लड़ी जीत गई, लेकिन 2019 में पिछला लोकसभा चुनाव डिंपल यादव हार गई। सारी जीत के बाद 2019 में इस परिवार का एक सदस्य यहां पर चुनाव हार गया। समाजवादी पार्टी में टिकट का बदलापुर जो हो रहा है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कैसे। बिजनौर सीट पहले यशवीर सिंह और अब दीपक सैनी को टिकट दे दिया गया, टिकट बदल दिया गया। मेरठ सीट पर पहले भानु प्रताप फिर अतुल प्रधान, यहां पे दो बार टिकट बदला गया, फिर आखिर में अब सुनीता वर्मा चुनाव मैदान में है। मुरादाबाद सीट की कहानी देखिए आप, पहले एसटी हसन को टिकट दिया गया, उसके बाद टिकट बदल दिया गया, अब रुचि वीरा वहां से चुनाव मैदान में, ये टिकट बदलने का सिलसिला रहा। अब आप देखिए बदायूं सीट, यहां भी दो बार बदला गया, पहले धर्मेंद्र यादव उसके बाद फिर शिवपाल यादव, और अब शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव मैदान में है। मिश्रिख सीट देखिए, पहले रामपाल राजवंशी को टिकट दिया गया, फिर टिकट बदल दिया गया, संगीता राजवंशी को टिकट दिया गया, और अब आखिर में रामशंकर भार्गव चुनाव मैदान में है। बागपत सीट की कहानी देखिए, पहले मनोज चौधरी को टिकट दिया गया, टिकट बदल दिया गया, फिर अमरपाल शर्मा चुनाव मैदान में है समाजवादी पार्टी के टिकट पर। फिर आप देखिए गौतम बुद्ध नगर, यहां पर पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया गया, फिर राहुल अवाना उनकी जगह टिकट पा गए, और फिर आखिर में महेंद्र नागर चुनाव मैदान में। सुल्तानपुर सीट की कहानी यह है कि पहले भीम निषाद को टिकट दिया गया, और अब राम भुआल निषाद आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। कन्नौज सीट पर देख लीजिए, जिसकी कहानी हम शुरू से आपको बता रहे हैं, पहले तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया, अब खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतर आए हैं कन्नौज सीट पर। इस तरीके से टिकट बदले गए। इसी बीच में एक बड़ी खबर हमें मिल रही है कन्नौज से, इस वक्त हमारे पास है बीजेपी उम्मीदवार भी आज ही नामांकन करेंगे। कन्नौज से बीजेपी ने सुब्रत पाठक को टिकट दिया है। दो बार से सांसद सुब्रत पाठक तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के सुब्रत पाठक भी जो अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, आज ही वो भी नामांकन दाखिल करेंगे। ये बड़ी अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको बताते हैं कि इससे जुड़ी और डिटेल्स जो हमारे पास आई हैं वो क्या हैं। देखिए आप, कन्नौज की टक्कर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से और सुब्रत पाठक बीजेपी से, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। सुब्रत पाठक सिटिंग एमपी हैं, कन्नौज से तीन बार सांसद खुद अखिलेश यादव रहे हैं, सुब्रत पाठक के खिलाफ खुद अब वो चुनाव मैदान में है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस बीच में उत्साहित हैं। ये देखिए आप, मंदिर में दर्शन पूजन सुब्रत पाठक का, कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और नामांकन से पहले का जश्न भी आप देख लीजिए, मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश और उत्साह। सुब्रत पाठक की बात हमने आपको सुनाई, वो कह रहे थे कि अब टक्कर कुछ होगी,